3 दिन रात भर पानी में भिगोकर सुबह दूध में उबालकर पी लो, आपको कभी जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा। शरीर की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको कभी डायबिटीज की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या या फिर हाथ दर्द, पैर दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे, कमर और जोड़ों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके शरीर की हड्डियां वज्र के समान मजबूत बन जाएंगी और आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये नुस्खा ताकत का खजाना है जो आपके शरीर के अंदर सांड जैसी ताकत भर देता है। इसके अलावा यदि आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे को उतारने का भी काम करता है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत अधिक जबरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं, जिस नुस्खे को आज की इस वीडियो में हम आपको बनाकर दिखाएंगे, जिसका प्रयोग आपने अपने घर पर करना है। और यदि आप इस नुस्खे का प्रयोग हर रोज करेंगे तब आपको चमत्कारी रिजल्ट दिखाई देंगे। दोस्तों, 3 दिन आपने ये नुस्खा लिया तो चौथे दिन से ही इस नुस्खे का आपको अपने शरीर में असर दिख जाएगा। आप पहले से ज्यादा ताकतवर और एक्टिवनेस फील करेंगे। दोस्तों, आपके पूरे शरीर में एनर्जी भर जाएगी, आपके शरीर के अंदर सांड जैसी ताकत आ जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि ये बंदा तो सांड जैसा है, सांड जैसा ताकतवर है, ऐसी फौलादी ताकत आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। और दोस्तों, यदि आप जिम जाते हैं तब तो आप इस नुस्खे को अपना ही लीजिए, क्योंकि ये नुस्खा आपकी मसल्स पावर को मजबूत करेगा और आपके मसल्स को बनाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इसके अलावा इस नुस्खे को लेने से आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यून पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की इम्यून पावर हाई होगी तब आपको कोई भी रोग कभी नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये नुस्खा है क्या और उसके बाद जानेंगे इस नुस्खे को आपने अपने घर पर बनाना कैसे है, जो आपको पेट के रोगों से बचाएगा, आपको कभी कब्ज, पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होने देगा, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा जिससे आपको पाचन से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा। दोस्तों, अनिद्रा की बीमारी का इलाज है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है और ये अनिद्रा भी आपके शरीर के बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। दोस्तों, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपकी हड्डियों को सही करेगा, आपके दिमाग को तेज करने का काम करेगा, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगा, आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा, सभी तरह की हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को सही करेगा, ब्लड प्रेशर का इलाज करेगा, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा, आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा जिससे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा, कब्ज का इलाज करेगा और शरीर के हर तरह के दर्द का इलाज करेगा, क्योंकि ये नुस्खा कैल्शियम का खजाना है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। दोस्तों, अस्थमा रोग में भी बहुत अधिक कारगर है ये नुस्खा। और दोस्तों, यदि आपको थायराइड की समस्या है तब भी आप इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा, इतना चमत्कारी है इस नुस्खे का सेवन। आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपके चेहरे पर जमा बन जाएगा, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए इस नुस्खे की मुख्य सामग्री। दोस्तों, इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों खसखस। और दोस्तों, खसखस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यह आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है किसी भी स्टोर पर, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर के लिए खसखस बहुत अधिक चमत्कारी है, इसका इस्तेमाल कब्ज जैसी समस्या से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। छोटे छोटे बीजों वाला यह खाद्य पदार्थ कैलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम व फोलेट जैसे तत्वों से भरा हुआ है। इसका इस्तेमाल आंतरिक स्वास्थ्य से लेकर त्वचा और बालों के लिए भी किया जाता है। और जो दूसरी इसमें सामग्री आपने लेनी है दोस्तों, वो लेनी है आपने दूध। और दोस्तों, दूध के फायदे भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि हम दूध का प्रयोग बचपन से ही करते आए हैं, तो हमें इसके फायदे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जो अगली इसमें सामग्री है दोस्तों, वो है गुड़। दोस्तों, गुड़ आयरन का खजाना है जो आपके शरीर में खून की कमी का इलाज करता है, और आपके शरीर में खून की कमी के इलाज के साथ साथ आपके शरीर में खून की सफाई भी करता है, जिससे आप बहुत तरह के रोगों से बचे रहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का मुख्य कारण हमारे खून की गंदगी होती है, और ये नुस्खा आपके शरीर की खून की गंदगी का इलाज करेगा, जिससे आप इस कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से हमेशा बचे रहेंगे, आपको ये बीमारी कभी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, इसके अलावा गुड़ में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, आप इसका सेवन करके अपनी
अपनी शरीर की हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों ये आपने तीन चीजें लेनी है। अब गुड़ की जगह यदि आप मिश्री का प्रयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विधि। दोस्तों सबसे पहले आप दूध को लें और दूध को छान लें। छानने के बाद आप एक बर्तन आग पर रखें और उसमें एक गिलास दूध डाल दें, जैसे कि ये हमने डाल दिया। अब आप इस खसखस को इस दूध में एक चम्मच डाल दें और इस दूध में अपने स्वाद के अनुसार गुड़ या मिश्री जो आप मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं और इस दूध को तीन उबाल दें। और तीन उबाल देने के बाद इस दूध को आग से नीचे उतार लें और उसके बाद इस दूध को बिना छाने ऐसे ही सेवन करें। ये तो हो गया इस नुस्खे को बनाने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि आप खसखस के बीजों को रात भर के लिए एक चम्मच लेकर एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें या किसी बर्तन में भिगोकर रख दें और सुबह बासी मुंह आप इस पानी को पी लें और इन खसखस के बीजों को भी चबाकर खा लें। दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका, आप एक चम्मच खसखस के बीजों को लेकर रात भर एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उस पानी को पी लें और इन खसखस को जैसे अभी हमने दूध के साथ उबालकर आपको पीना बताया दूध और गुड़ के साथ, ऐसे ही आप उन खसखस के बीजों को दूध के साथ उबालकर पी लें। सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों। यदि आप इस तरीके से इस खसखस का सेवन करेंगे तब आपको अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव दिखा देंगे। आपका शरीर ताकतवर और फौलादी बन जाएगा। आपको कभी कोई रोग नहीं लगेगा। आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज से ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाकर सेवन कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना दीजिए ताकि आपको जीवन में कभी कोई भी रोग ना लगे और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोगी बना रहे। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।